खुद अनुपमा करेगी केंजल और तोशु के रास्तों को अलग, माँ का नया अवतार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। सब लोगों ने प्री कैप देखा और सबके अपने अपने विचार हैं। सबने कुछ ना कुछ इस प्री कैप पे रिएक्ट किया है क्योंकि अच्छा नहीं लगा। ये सोच के अच्छा नहीं लगा कि अनुपमा ने इनके बीच में इंटरफेरेंस क्यों किया। तो आज इस वीडियो में इसी बात की चर्चा करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। अब एक चीज तो क्लियर है कि तोशु और केंजल का रिश्ता स्मूथ नहीं है। उस रिश्ते में बहुत सारी गांठें आ चुकी हैं। तोशु अभी तक बिल्कुल भी नहीं सुधरा है, बल्कि और भी ज्यादा बिगड़ गया है। वो डंके की चोट पे कहता है कि मैं ऐसा ही हूं, और केंजल ये तुम्हारा डिसीजन था यहां पे आना, मेरा नहीं था, इसलिए मुझे झेलना भी अब तुम्हें पड़ेगा। अब इस सबके बीच में केंजल पिस रही है, और ऐसे मौके पे अगर केंजल को अनुपमा दिख जाती है तो अनुपमा के साथ उसका जो भी रिश्ता है, प्यार का, जो भी मां का, जिस तरह का रिश्ता है, उसमें हमेशा केंजल अनुपमा पे डिपेंडेंट रही है। अब उसको इस रिश्ते की जो एक होता ना छांव होती है, जो एक मोहब्बत होती है, उस रिश्ते की मोहब्बत की इंपॉर्टेंस उसको पता है, इसलिए वो अब अनुपमा से बार बार मिल रही है। प्यार तो है मगर कहीं ना कहीं केंजल की डिपेंडेंसी भी है अनुपमा पे। अब 5 सालों से अपना घर चलाती आ रही है, अब अचानक से अनुपमा मिलती है और घर के हालात अब केंजल को और ज्यादा खराब लगने शुरू हो जाते हैं। नॉर्मली ऐसा होता है कि जब कोई सहारा मिलता है तो वही हालात ज्यादा खराब लगने शुरू होते हैं। तो इसीलिए केंजल ने परी की बीमारी पे अनुपमा को घर पे बुला लिया, या उसने सिर्फ अनुपमा को इन्फॉर्मेशन दी होगी कि परी की तबीयत ठीक नहीं है। तो परी का हालचाल पूछने अनुपमा घर पे आ गई, और यहां पे तोशु ने आके जो बवाल किया, हमने देखा किस तरह की बदतमीजी तोशु ने की। अनुपमा के हाथों में टैक्सी के पैसे पकड़ाए कि निकलो यहां से, दफा हो जाओ अभी का भी, इसी तरह का एटीट्यूड था तोशु का। अब जब ये सब कुछ अनुपमा देखेगी तो अनुपमा को ये समझने में देर नहीं लगेगी, जो अनुपमा ने पहले डायलॉग बोला था कि मारता तो नहीं है, ये तो पूरे अपने पिता पे गया है। तो जब ऐसा पिता था अनुपमा के साथ, तो अनुपमा ने क्या किया था? अनुपमा ने तलाक ले लिया था वनराज शाह से। और अब केंजल और तोशु के बीच में ये केमिस्ट्री दिख रही है जो बहुत ही वर्स है। अब अनुपमा खुद केंजल को कहेगी कि छोड़ दे मेरे बेटे को, खाने दे इसको ठोकरे, इसके साथ यही होना चाहिए। और अभी अनुपमा का यही करना भी बनता है, और जब अनुपमा ये बात कहेगी तो केंजल को ये बात मानने में देर नहीं लगेगी। और जब ये सब अमेरिका में होगा दोस्तों, तो इसका इफेक्ट भारत में पड़ेगा, वनराज शाह पे पड़ेगा, और वनराज शाह के पास यही मौका होगा अपने बेटे तोशु को फिर से पाने का। तो ये मुझे इस तरफ जाता हुआ ट्रैक दिखाई दे रहा है, यहाँ पे माँ का एक नया अवतार हमें दिखेगा। आपको कैसा लगता है जो मैंने सोचा है? क्योंकि मुझे कुछ कुछ ऐसी फीलिंग आ रही है, बताइएगा कमेंट करके। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.